अस्सलाम वालेकुम, जय प्रणाम सभी को। मेरा गुड मॉर्निंग और हैप्पी संडे मेरे यूट्यूब फैमिली एंड यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। एंड मैं बहुत खुश हूँ, मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो गए यूट्यूब पे। सब आप ही लोगों का प्यार और सपोर्ट है, और ऐसे ही मुझे आप लोगों का सपोर्ट और लव चाहिए। और या आज हम बात करते हैं कैट, पर्शियन कैट्स का, क्योंकि मुझे दूसरे पता नहीं, कैट्स मतलब सभी एक ही प्रकार होते हैं, वो स्ट्रे कैट्स हो या फिर मतलब इंडी कैट्स हो या ब्रीड कैट्स हो, लाइक अदर कैट्स लाइक पर्शियन कैट्स। हाँ, ये मेरी सोफी है, ये फिलहाल ढाई तीन साल की कैट है, और इसका ये तीसरा लीटर है। सोफी प्रेग्नेंट है, आज उसका कंप्लीट 65 डेज कंप्लीट हो जाता है। कैट हम जो बात करेंगे सिर्फ कैट का प्रेग्नेंट सिम्टम्स एंड लेबर सिम्टम्स कैसे होते हैं, और डिलीवरी के सामने कैट का किस प्रकार का बिहेवियर होता है। तो पहली बात, कैट फर्स्ट जब मेटिंग करती है फ्रॉम फर्स्ट डे, जो पहला दिन मेटिंग हुआ है, मेटिंग मतलब और हिंदी मतलब क्रॉस होने के बाद मेल के साथ, कैट 1 to 65 to 67 डेज तक लेती है कैट जो किटन्स को डिलीवरी करने में। और कैट प्रेग्नेंट है या नहीं है ये पता चलेगा हमको उसके थोड़ा बिहेवियरल चेंजेस और उसका खाना पीना तरीका सब कुछ बदल जाएगा। जैसा कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखा था, जब मेरी कैट फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। थोड़े जो यूट्यूब में जो बोले थे और जो मेरी कैट के थे सिम्टम्स बिहेवियर, वो थोड़ा डिफरेंट था। मैं बस मेरे एक्सपीरियंस और मेरी कैट का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। सोफी जब प्रेग्नेंट होती है तो पहला 1 वीक जो भी कैट्स है आराम से, वो बहुत आराम करते हैं, बहुत सोते हैं। कैट जब मेटिंग स्टार्ट करती है वो लगातार 2 से 3 या 4 दिन तक वो लगातार मेटिंग करती है मेल के साथ, और उसके बाद वो आराम करती है 1 हफ्ते तक, 5 to 7 days तक वो आराम करती है, सोती है आराम से। और उसके बाद उसका खाने का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वो खाना अच्छे से खाती है और बहुत एक्टिव रहती है। और उन दिनों में जब कैट का 30 डेज होता है, जब आपको सिम्टम्स फर्स्ट सिम्टम आराम से दिखेगा आपको कि कैट का निपल्स, जो कैट के निपल्स आप देखेंगे वो इसी तरह पिंक हो जाएंगे, पिंक और थोड़े बड़े 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 दिखने लगेंगे कैट के सिम्टम्स जब वो प्रेग्नेंट होती है। और इसके बाद 30 डेज में आपको आराम से थोड़ा सा, मतलब इतना बड़ा भी नहीं है, आपको पेट स्टमक उसका दिखने को आएगा, किटन्स वो कैरी कर रही है, शी इज़ अ कैरिंग कैट, कैरी करती है। और उसके बाद 30 डेज के बाद वो और ज़्यादा क्या वो खाना खाएगी, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा तुम नॉन वेज दिया करो, चिकन हो, मीट हो, फिश हो, और अच्छे सप्लीमेंट्स दिया करो किटन्स के हेल्थी के लिए और कैट को अच्छे से हेल्थी रखने के लिए, उसकी प्रेगनेंसी में लास्ट फाइनल स्टेज में कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए अच्छी तरह से खाना दिया करो। और उसके बाद कैट का जब 50 डेज आता है तो वो खुद को ज़्यादा ग्रूमिंग करने लग जाती है, बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग करती है बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग करती है। और वो नेस्टिंग मतलब 55 डेज होने के डेज में वो नेस्टिंग के लिए, वो जो बच्चे देने के लिए वो सेफ जगह देखती है, कार्टून बॉक्स हो या फिर कबाड़ हो या फिर जहाँ पे कोई लोग आते नहीं हो, बहुत अंधेरा हो, और इस तरह का वो सिम्टम्स दिखाने के लिए सिम्टम्स दिखाती है जो डिलीवरी देने के सामने 55 डेज के बाद वो नेस्टिंग देखती है। और उसके बाद नेस्टिंग होने के बाद, जब नेस्टिंग का पूरा होने के बाद और कैट का 63 डेज हो गया है, और तो उस जो फाइनल डिलीवरी स्टेज होता है उसका, वो बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग करेगी, बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग करेगी, और वो बहुत बेकरार रहेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन पे रहेगी और बहुत ज़्यादा बेकरार रहेगी, बहुत खाना भी थोड़ा कम कर देगी क्योंकि ताकि उसके पेट में जगह नहीं होती है,
और उसके किटन्स पेट में थोड़ा ग्रो हो जाते हैं और किटन्स हैवी, मतलब पेट उसका हैवी हो जाता है किटन्स कैरी करने में थोड़ा। इससे कैट्स बहुत बेकरार और बहुत परेशान परेशान से हो जाती है। आप कोई चिंता ना करें, ऐसे कुछ सिम्टम्स है। जब अगर से आपके कैट का जो फाइनल डेट आ जाता है 65 डेज, और उसके पहले दिन दूसरों का जो मैंने यूट्यूब में देखा था, ताकि थोड़े लोग बोलते हैं कैट जब लेबर स्टेज में आती है उसके वजीना, उसके जो बैक साइड से जो प्राइवेट पार्ट से वजीना डिस्चार्ज होता है वो ब्लैक कलर होता है और ब्राउन कलर होता है, येलो कलर होता है करके। लेकिन जब मैं सोफ़ी का देखा है, सोफ़ी का जो डिलीवरी है वो बहुत डिफरेंट लगता मुझे जैसा मैं यूट्यूब में देखा है। तो सोफ़ी का जब फाइनल स्टेज होता है 64 डेज, वो उसी रात में या फिर उस दिन दोपहर में, हाफ डे के बाद, दोपहर में 2-3 बजे या फिर 12 बजे के बाद से उसको डिस्चार्ज होता है। और इसका डिस्चार्ज जो फर्स्ट प्रेगनेंसी था, जब उसका डिस्चार्ज एकदम डार्क येलो में था, और सेकेंड डिस्चार्ज था, इतना ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं हुआ था सेकेंड टाइम पे, बट ऐसे ही थोड़ा सा येलो कलर का ही था। और थर्ड टाइम कल इसका डिस्चार्ज हुआ, कल इसका 64 डेज था, कल इसका डिस्चार्ज हुआ है और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हुआ है। इसका वाटर बैग ब्रेक हुआ है और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हुआ था कल। इसका बैग पूरा गीला हो गया था, बाकी मैं टिश्यू से पूरा इसको क्लीन किया ताकि इसको कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए, हाउस फ्लाइज या फिर जो भी है ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं वो स्मेल के लिए, ताकि इसका ध्यान रखिए आप। तो सोफ़ी का कल डिस्चार्ज हुआ है 12-1 बजे के टाइम पे, और डिस्चार्ज होने के बाद मैंने रात भर सोया नहीं है ताकि वो कभी भी डिलीवरी कर सकती है। और वो नेस्टिंग का भी बहुत ज़्यादा जाके घर में बैठ रही है, जहाँ पे मैंने उसको बॉक्स बना के रखा है, और वो खाना भी बहुत कम खा रही है, बहुत बेकरार है, और बस एक्टिव है, खा रही पी रही थोड़ा थोड़ा सा और सो रही आराम से, और मैं जहाँ भी जाऊँ पीछे पीछे आती है। तो आज इसका 65 डेज है, इंशाल्लाह आज इसकी डिलीवरी हो जाएगी रात में। सोफ़ी मोस्टली ऑलमोस्ट उसका प्रेगनेंसी कभी भी, इसका डिलीवरी कभी भी रात के 12 बजे के बाद ही स्टार्ट करती है, ताकि 12 बजे, 1 बजे, 1:30, 2 बजे स्टार्ट करती है। वो तो मुझे पूरी रात जगाने के लिए तैयार में होती है, ये बहुत बदमाश है। उसकी ओनर को सोने नहीं देती है, उसके पापा को सोने नहीं देती वो, तो बहुत खुश होता है वो। एक्साइटमेंट तो हम इजहार नहीं कर सकते कितना खुश होता है, और डर भी लगा रहता है कि किटन्स को कुछ ना हो जाए अंदर, कैट को कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। बस यही दुआ करता हूँ मैं, और आप सभी को भी यही दुआ है मेरे कैट की, आज डिलीवरी आसान से और बहुत अच्छे से हेल्दी बच्चे पैदा हो जाए, ताकि बच्चे और माँ को दोनों को किसी तरह का कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम ना हो। आप सभी की दुआ चाहिए, लाइक एंड सपोर्ट चाहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। शायद मेरा वीडियो इतना अच्छा नहीं होता एडिटिंग, आई एम सॉरी, बिकॉज मुझे एडिट करना आता नहीं है, मैं बस थोड़ा थोड़ा सीख रहा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी अच्छे से सीख के अच्छे से वीडियो एडिट्स करके डालूँगा, और जब सोफ़ी डिलीवरी करेगी शायद मैं ही पहला दिन ही उसको किटन्स की वीडियो नहीं निकालूंगा और दिखाऊंगा भी नहीं। जब उसके बच्चे 30 डेज़ के हो जाते हैं, 15 दिन या फिर 20 दिन, जब मैं ज़रूर इसका वीडियो डालूंगा सोफ़ी को कितने बच्चे हुए हैं। और आप सब वेट करिए और सपोर्ट करिए, लव करिए, लाइक करिए। और कैट का मतलब यही ज़्यादा होता है सिम्टम्स पूरा देखने का, और मेरी कैट तो सोफ़ी